गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। उद्यमी एवं व्यापारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंकअप गोरखपुर से तो हो गया लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ टेंडर 15,200 करोड़, अब कैसे हुआ 11,800 करोड़ रुपए में, बताएं किसके जेब में जा रहा था जनता का 3400 करोड़ रुपए। डीएम और एसएसपी की निगरानी में शांतिपूर्वक संपन्न हुई खजनी विधानसभा में लोकसभा का मतदान, 23 मई को होगा मतगणना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिख समुदाय से अपील करते हुए कहा उत्साह और उल्लास की तरह आप लोग मनाएं लोकतंत्र के इस पर्व को, जरूर जाएं वोट करने। खजनी विधानसभा में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराकर लौटी पोलिंग पार्टियां, एडीएम सिटी ने कहा स्ट्रांग रूम में अर्धसैनिक बल की निगरानी में रहेगा ईवीएम। संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र के खजनी विधानसभा में संवेदनशील 40 बूथों के कलेक्ट्रेट सभागार से की गई मॉनिटरिंग, संवेदनशील बूथों पर तीसरी आंख की है पहली नजर। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के मुहिम के साथ महिलाओं ने मतदाताओं से किया अपील, कहा 19 मई को जरूर करें मतदान। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के छठवें चरण में संत कबीर नगर लोकसभा में पड़ने वाले जिले के खजनी विधानसभा में हुआ 53% मतदान। कांग्रेस पार्टी के सदर लोकसभा प्रत्याशी ने किया जनसंपर्क, व्यापारियों और नागरिकों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए किया अपील। निशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं का किया गया निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दिया गया उचित परामर्श। युवा वर्ग का मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन और मार्शल एडजस्टमेंट पर बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है असर। और श्री गुरु नानक देव जी की 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर पैडलेगंज स्थित गुरुद्वारा में शब्द कीर्तन का हुआ आयोजन।